The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और ये है एक्सपर्ट टॉक। और आज फिर आपके साथ आपके पास हम लेकर आए हैं डॉक्टर रजत गुप्ता। ये आप जानते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस था हमारे पहले एक्सपर्ट टॉक का, जिसमें हमने बात की थी डॉक्टर रजत गुप्ता से, जो कि बहुत ही वेल एक्लेम्ड वेल नोन प्लास्टिक सर्जन है, दिल्ली रेदर इंडिया के वन ऑफ द टॉप प्लास्टिक सर्जन हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे लाइपोसक्शन के बारे में। अगर आपने हमारा लास्ट सेशन एक्सपर्ट टॉक पार्ट वन नहीं देखा तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे लाइपोसक्शन। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया परमजीत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अगेन। बहुत मजा आया था पिछली बार भी आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ऑडियंस को, दर्शकों को मजा आया हो और आज भी अच्छा एक हम एपिसोड बनाए। ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें से आपके शरीर के किसी भी पार्ट में जहाँ पे आपका एक्सेस फैट है उसको सक्शन किया जाता है, निकाल दिया जाता है बॉडी से और आपको दिखाया जाता है सर्जरी के एंड में कि जी कितना फैट निकाला। सो ये एक इमीडिएट रिजल्ट देने वाला प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं लाइपोसक्शन। वेरी नाइस। सो लाइपोसक्शन किसको जरूरी है? हु नीड्स लाइपोसक्शन? क्या कोई भी करा सकता है? थोड़ा बहुत फैट है या कोई ऐसा चीज है कि भाई इस लेवल के बाद ही आप लाइपोसक्शन कर सकते हो? क्या हिसाब है? गुड। So, ये बड़ा कॉमन सवाल है हमारे पास। पेशेंट्स की क्वेरीज आती है कि जी मेरा 150 किलो वेट है, 200 किलो वेट है, आप मेरा लाइपोसक्शन कर दे। सो लेट मी टेल यू कि लाइपोसक्शन एक बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है, बॉडी शेपिंग प्रोसीजर है, और ना कि सिर्फ इसको लोगों को सोचना चाहिए वेट लॉस की तरह। ये बॉडी की शेप इंप्रूव करता है, कंटूर इंप्रूव करता है। जो सबक्यूटेनियस फैट है, स्किन के नीचे की लेयर जो फैट होती है, सबक्यूटेनियस फैट, चाहे वो आपके नेक में हो या चेस्ट में हो या एब्डोमेन में हो या थाई में हो, आर्म्स में हो, बैक में हो, काफ्स में हो, इन सब एरिया का लाइपोसक्शन किया जाता है, लेकिन ओनली फॉर सबक्यूटेनियस फैट ऑफ दैट एरिया। नाउ बहुत से लोग टेक्निकली मतलब ओबेसिटी का ट्रीटमेंट नहीं है लाइपोसक्शन, अगर बिल्कुल नहीं है, मॉर्बिड ओबेसिटी का ट्रीटमेंट नहीं है। इनफैक्ट जिसका BMI 35-36 से ज्यादा होता है उसका लाइपोसक्शन नहीं होना चाहिए आइडियल तरीके से। ये आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिसका भी BMI 37.5 से ज्यादा है, उनको BP या शुगर की बीमारी है और वो वजन नहीं घटा पा रहे हैं एक्सरसाइज के द्वारा, इवन डॉक्टर परमजीत के बढ़िया सा चैनल देखते हुए एक्सरसाइज और फिट रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए लाइपोसक्शन नहीं है, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी है। वो एक दूसरा टॉपिक है जो आप अपनी वीडियो में कभी पढ़ा भी चुके हैं, मैंने सुना है। लेकिन लाइपोसक्शन इज अ बॉडी शेपिंग सर्जरी कि कुछ लोग जिनका रेजिस्टेंट फैट हो जाता है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अच्छा खा पी भी रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया हो गया फैट का जो रेजिस्टेंट हो गया, जैसे लव हैंडल्स हो जाते हैं, किसी का नेक हो जाता है, किसी के थाइस होते हैं, किसी किसी के फीमेल्स के ब्रा रोल्स होते हैं, ब्रा के नीचे से एक रोल निकल रहा होता है, वो एरिया रेजिस्टेंट अगर फैट हो गया जो वो कम नहीं कर पा रहे, उसके लिए होता है लाइपोसक्शन। करेक्ट करेक्ट। So, डॉक्टर साहब ये बताइए, लाइपोसक्शन अपने आप में उसमें क्या रिस्क होते हैं ऑपरेशन के? एक तरीके का ये भी एक ऑपरेशन है, सर्जिकल प्रोसीजर है, बिल्कुल। तो एक इसमें रिस्क क्या है और इसकी रिकवरी रेट कितना कितना टाइम लगता है हॉस्पिटल में रहना, क्या बेसिक इसका प्रोसीजर होता है? देखिए, सबसे पहले लाइपोसक्शन बहुत सेफ प्रोसीजर है अगर अच्छे डॉक्टर से कराया जाए और एक अच्छे हॉस्पिटल में कराया जाए, ठीक है। वन हैज टू चूज कि वो प्लास्टिक सर्जन ही सर्जरी कर रहा हो, एक एक्रेडिटेड सेटअप में कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कर रहे हैं, सारे सेफ गाइडलाइंस रखते अपने मद्देनजर रखे कर रहे हो, सो इट्स अ सेफ प्रोसीजर। जैसे एक अमेरिकन गाइडलाइंस है कि 10% इन लीटर्स ऑफ योर टोटल बॉडी वेट kg, इससे ज्यादा फैट एक बार में नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि थर्ड
वॉल्यूम शिफ्ट होता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है। सो अब 10% लीटर ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इन केजी, इसको थोड़ा सा आसानी से समझाओ कि अगर किसी का 80 किलो वेट है तो अमेरिकन गाइडलाइंस कहती है कि उसको 8 लीटर से ज्यादा एक बारी में फैट नहीं निकालना चाहिए, ये भी अपर लिमिट है, कोशिश करके उसको अराउंड 5 या 6 लीटर रहना चाहिए। नाउ 5 या 6 लीटर से ही है ऐसी लिमिट, लाइपोसक्शन से ही है, या जो दूसरे लाइपेक्टोमी भी होता है उसमें फिर ज्यादा निकाल सकते हैं। मैं बात करता हूँ उसके बारे में, लाइपेक्टमी या एब्डोमिनोप्लास्टी एक दूसरा प्रोसीजर होता है, लेकिन लाइपोसक्शन का है एक बार में एक दिन के अंदर किसी भी पेशेंट में इससे ज्यादा नहीं निकालना चाहिए, प्रोसीजर का रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये गाइडलाइंस बनाई गई है। अब 5 लीटर अगर मैंने किसी के पेट से, एब्डोमेन से, बैक से 5 लीटर फैट निकाल दिया, उसका साइज अराउंड अमूमन 36 से लेकर 30 हो जाएगा, इतना फर्क हो जाता है 5 लीटर फैट से। लेकिन 5 लीटर इज नॉट 5 kg, ये समझना पड़ेगा, 5 लीटर इज समथिंग अराउंड 2.5 kg, क्योंकि फैट का वॉल्यूम इज डिफरेंट देन वेट। स्पेसिफिक डेंसिटी अगर हमने स्कूल में पढ़ा था आपको तो पता ही होगा, पानी का होता है 1 किलो पानी ऑलमोस्ट 1 लीटर होता है, फैट इज लाइटर देन वाटर, तो फैट वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, सो 5 लीटर 5 किलो नहीं होता, अराउंड 2.5-3 किलो होता है। सो आपका वजन तो 2.5-3 किलो कम हुआ लेकिन साइज में बहुत फर्क आ गया, दैट इज व्हाट लाइपोसक्शन डज। ठीक है, और लाइपोसक्शन जो है क्या वापस, एक पर्सन ने लाइपोसक्शन करा लिया तो क्या वो वापस मोटा हो जाएगा, क्या वो परमानेंट होता है, ये बात भी एक इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, सो ये भी बड़ा कॉमन सवाल है डॉक्टर परंजीत सर। लाइपोसक्शन इज अ परमानेंट रिमूवल ऑफ फैट सेल्स फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो एक फैक्ट, एक साइंस बताते हैं कि जो फैट सेल्स होते हैं इन अवर बॉडी, दे डू नॉट मल्टीप्लाई, दे ओनली इंक्रीज इन साइज। सो सपोज कोई पैदा हुआ, उसके पेट में, सबक्यूटेनियस एरिया में 100 फैट सेल्स है, जब वो 35 साल का हुआ है, मोटा हो गया, तभी फैट सेल्स 100 ही है, दे ओनली इंक्रीज इन साइज, तो छोटे से वो बड़ा हो गया। लाइपोसक्शन में हमने सेल्स ही निकाल दिए, आपको जो दिखाते हैं कि कितना फैट निकाला, व्हाट आर दीज आर सेल्स, तो हमने सेल्स ही निकाल दी, दैट्स अ परमानेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ फैट सेल्स। नाउ 100% फैट सेल्स तो कोई नहीं निकाल सकते, कभी निकालने भी नहीं चाहिए, नहीं तो स्किन बिल्कुल पतली एवरेज की तरह हो जाती है। तो अगर 100 फैट सेल्स से हमने 70 निकाल दिए, बचे 30, अब थ्योरेटिकली तो 30 साइज में तो बढ़ ही सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है दुनिया में कि फैट सेल्स को फ्रीज कर दिया जाए वो बढ़े ही नहीं साइज में, लेकिन वो 30 100 के जितना बड़े हो जाएं ये बहुत मुश्किल है। सो ये कहना कि लाइपोसक्शन रिजल्ट्स आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, ये बिल्कुल सही होगा, लाइपोसक्शन इज लाइक ए परमानेंट प्रोसीजर, ये थ्योरेटिकली गलत होगा, क्योंकि अगर कोई बोले कि जी मैं तो रोज पिज्जा और बिरयानी खाऊंगा ही खाऊंगा और आप मोटा होके दिखाओ, तो वो होने को तो हो सकता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी टू मेंटेन दैट रिजल्ट आफ्टर लाइपोसक्शन व्हाट वी हैव गेन। चलो दैट्स गुड। अच्छा एक और सवाल है कि आजकल हर दूसरे पर्सन को कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी है, राइट, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी को कोई एलर्जिक रिएक्शन है, किसी को कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई कुछ है, सो क्या इनमें से कोई कोमॉर्बिडिटी लाइपोसक्शन का कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है? सो बिफोर एनी सर्जरी पेशेंट हैज टू बी फिट, अगर वो हाइपरटेंसिव है और डायबिटिक है, इफ इट इज कंट्रोल्ड देन वेरी वेल वी कैन डू इट, इफ इट इज अनकंट्रोल्ड देन वन शुड नॉट गेट द सर्जरी डन। पहले आपको बीपी और शुगर अपना कंट्रोल करना चाहिए, वो आपका दवाइयों से कंट्रोल हो जाए, वेट लॉस से, जैसे भी आपको लगे। बहुत बारी लोगों को लगता है कि दवाई नहीं लेनी, दवाई शुरू हो जाएगी, आपको तो मालूम ही है डॉक्टर परंजीत की दवाई शुरू नहीं करते, लोगों को समझाना पड़ेगा कि अगर जिसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत है तो जरूरत है भैया, आपको मेडिसिन स्टार्ट करना है, आपको बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखना है, आपका HbA1c जो मात्रा होता है शुगर की 3 महीने की नापने की, वो 6 से कम होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर एक रीजनेबल कंट्रोल होना चाहिए, 120-130 सिस्टोलिक होना चाहिए, डायस्टोलिक अराउंड 80-90 होना चाहिए, तभी ये सर्जरी करी जानी चाहिए, उससे पहले नहीं। अच्छा इसका हॉस्पिटल स्टे कितने टाइम का होता है, क्या ये ओपीडी प्रोसीजर है, क्या इसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, कितने दिन आपको ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है? सो ये ओपीडी प्रोसीजर कहना तो आपको ठीक नहीं होगा, हाँ ये ज्यादातर डे केयर सर्जरी होता है, डे केयर सर्जरी इन द सेंस की बहुत बारी हम GA में करते हैं या लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, पेशेंट सेम डे घर चले जाते हैं,
अगर मैंने उनका 4 लीटर से कम फैट निकाला है, अगर 4 लीटर से ज्यादा निकाला है तब भी पेशेंट हम जिस तरह से करते हैं सर्जरी, वो सेम डे घर जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन हम उनको ओवरनाइट हॉस्पिटल में रख लेते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, ताकि उनका फ्लूइड बैलेंस हम मेंटेन रख पाए, देख पाए कि उनका यूरिन आउटपुट कितना है एंड एवरीथिंग इज फाइन, और फिर अगले दिन वो अपना चल के घर चले जाते हैं, कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स गुड। सो अगले दिन से बेसिकली दे कैन जॉइन देयर वर्क एंड ऑल। हाँ, मैं जिस तरह से सर्जरी करता हूँ डॉक्टर प्रणजीत, दो टूल्स होते हैं जिसको मैं करता हूँ, मैं क्लासिकल लाइपोसक्शन नहीं करता हूँ। एक टूल है जिसको बोलते हैं माइक्रो एयर पावर असिस्ट लाइपोसक्शन डिवाइस, और एक है वेजर जो है अल्ट्रासाउंड असिस्ट लाइपोसक्शन डिवाइस। तो इन टूल्स का फायदा क्या है कि दे डिक्रीज द टिश्यू ट्रॉमा ड्यूरिंग सर्जरी। टिश्यू ट्रॉमा कम होगा तो आप समझ सकते हो कि पेशेंट को पेन कम होगा, ब्रूजिंग स्वेलिंग कम होगी, रिकवरी जल्दी हो जाती है, तो पेशेंट अगले दिन से अपना डेली रूटीन अपने आप कर पाते हैं। बेजर का एक और एडवांटेज होता है, वो स्किन को ना अंदर से हीट करता है, तो स्किन टाइट भी होती है साथ में। तो ऐसा नहीं हमने फैट निकाल दिया तो स्किन लटक गई, बेजर स्किन को टाइट कर देता है, तो उसको हम लाइपोसल्फरिंग टेक्निक भी बोलते हैं, ताकि स्किन टाइट हो जाए, एक आर ग्लास शेप मिल जाए, या अगर मेल है तो उसको वी शेप मिल जाए। दैट कैन बी डन बाय दीज टूल्स। सो अभी फटाफट मतलब और भी ऐसे मतलब कोई और प्रकार की भी लाइपोसक्शंस है? आई थिंक देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ लाइपोसक्शन, कुछ और फ्लूइड इंजेक्शन भी हो रहा है, ट्रांसमिसेंट लाइपोसक्शन, सुपर वेट लाइपोसक्शन है, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड आपने बताई दिया, और एक आपका लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन है। तो इनमें मोटा मोटा क्या जानने लायक डिफरेंस है पेशेंट के पर्पस से, कि भाई आप कौन सा कराएं, पेशेंट कौन सा कराए? देखो ट्यूमेसेंट सुपर वेट ट्यूमेसेंट लाइपोसक्शन एक लाइपोसक्शन का स्टेप है। हर लाइपोसक्शन में चाहे आप कोई भी टूल्स करें, ट्यूमेसेंट तो होगा ही होगा। व्हाट इज ट्यूमेसेंट? ट्यूमेसेंट एक फ्लूइड है जो अंदर डाला जाता है फैट की लेयर्स के बीच में, ताकि वो सर्जरी ब्लडलेस हो जाए, ब्लड वेसल श्रिंक हो जाए और ब्लीडिंग ना हो सर्जरी के दौरान। सो ट्यूमेसेंट तो होगा ही होगा। ड्राई लाइपोसक्शन तो एक हिस्टोरिकल बात हो गई। अब ये तो हो गया ट्यूमेसेंट एक फ्लूइड डालने का स्टेप सर्जरी के दौरान, लेकिन सर्जरी में करा कैसे जा रहा है, फैट निकाला कैसे जा रहा है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। एक टूल मैंने आपको बताया पावर असिस्टेड, एक बताया अल्ट्रासाउंड असिस्टेड, एक ऐसे ही लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन है जो इंडिया में अभी आने वाला है। फर्स्ट इंस्टॉलेशन आपको बता देता हूँ, हमारी ही क्लिनिक में होने वाला है। सो मैं इन टेक्नोलॉजीज का एक्चुअली ट्रेनर भी हूँ, बाकी सारे क्लासेस जो भी खरीदते हैं वो हमारे पास ट्रेन होने जाते हैं। सो इन टेक्नोलॉजी से ये देखा गया कि आप जो भी टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हो सबके साथ कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं। तो ट्रॉमा कम हुआ, रिकवरी फास्ट हुई, स्वेलिंग ब्रूजिंग कम हुई, वेजर अल्ट्रासाउंड और लेजर से थोड़ा स्किन टाइटनिंग इफेक्ट भी आ गया। सो ये सब चीजें फिनिश की तरफ देती है। सो टेक्निकली अल्ट्रासाउंड और लेजर में ज्यादा फिनिश है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उस तरफ ज्यादा अपना ध्यान दे सकते हैं कि भाई वो कहाँ हो रही है, रादर देन जो ट्रेडिशनल चल रहे हैं। एब्सोल्युटली, दीज आर लेटेस्ट एंड रीसेंट एडवांसेस इन द सर्जरी। आपने आपको याद है मुझे फोन में बात कर रहे थे, आप पूछ रहे थे कि सर वो सिक्स पैक एब्स कैसे बनाते हैं, क्या वो भी बताइए, सिक्स पैक एब्स का कैसे था वो? तो वो भी शायद आई थिंक अल्ट्रासाउंड असिस्टेड या कुछ लेजर असिस्टेड टाइप। एग्जैक्टली, तो वेजर ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया इस सर्जरी के तरीके को, जिसको बोलते हैं हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन, या कुछ लोग बोलते हैं 4D लाइपोसक्शन या सिक्स पैक एब लाइपोसक्शन। सो इसमें हम एक टेक्निक करते हैं, उसको बोलते हैं एब एचिंग, एब्डोमिनल एचिंग। उसमें हम स्किन के जिस एरिया में, सिक्स पैक होते क्या है, एक गड्ढा होता है और एक माउंड होता है, यही होता है ना सिक्स पैक जो लुक बनता है। तो जहां जहां हमें गड्ढे बनाने हैं वहां पे हम इतना ज्यादा फैट निकाल देते हैं और स्किन को अंदर से इतना हीट कर देते हैं कि वो स्किन सक होके श्रिंक हो जाती है वहां पे ज्यादा। तो आपने एक ये कह सकते हैं आर्टिफिशियली एक क्रेस्ट बना दिया, एक माउंड बना दिया, ट्रफ्स एंड माउंड्स, एक आपने शेप्स इस तरह बना दी, वेवी पैटर्न इन द एब्डोमेन, दैट इट लुक्स वेरी नाइस एथलेटिक और सिक्स पैक। तो ये सिक्स पैक है, दैट्स वेरी ग्रेट। इस टॉपिक पे रादर हम देखते हैं एक और वीडियो बनाएंगे आपके साथ सिक्स पैक एब्स के बारे में, जो ये लगा सकते हैं लाइपोसेक्शन के साथ में। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय निकाल के आने के लिए। और दोस्तों आई होप आपको भी मजा आया सुन के ये सारी चीजें। तो लाइपोसक्शन से डरने की कोई बात नहीं है, और अगर आपको फैट लॉस करना है तो लाइपोसक्शन इज नॉट फॉर यू, लेकिन अगर आप बॉडी कंटूरिंग करना चाहते हैं, अगर आपको एक स्टबर्न फैट हटाना चाहते हैं, तब आपके लिए लाइपोसक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और उसके लिए आप डॉक्टर रजत जैसे किसी भी वेल एक्लेम प्लास्टिक सर्जन के पास जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रजत, कोई लास्ट वर्ड आप देना चाहेंगे पेशेंट्स को? एज यू सेड राइटली, लाइपोसक्शन कराएं तो ऐसे देखें कि किस सर्जन से करा रहे हैं, वो क्वालिफाइड, उनकी डिग्री देखें कि वो एमसीएच या डीएमई प्लास्टिक सर्जन है या नहीं है, उनके रिजल्ट्स देखें, उनके टूल्स देखें वो किस तरह से करते हैं, एंड मेक ए इन्फॉर्म डिसीजन. बिकॉज आप भी जानते हैं डॉक्टर रंजीत, आजकल टू डू एनी रीडू सर्जरी इज वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट एज वेल एज द डॉक्टर. हम चाहते हैं कि वो पहली सर्जरी, फर्स्ट सर्जरी द बेस्ट ऑप्शन. आई डू लॉट ऑफ रीडू प्रोसीजर्स, एंड रीडू प्रोसीजर में कभी भी वो बात नहीं आ पाता जो एक फर्स्ट सर्जरी में आप दे सकते हैं. आगे मैं बता दूं लोगों को, रीडू सर्जरी वो है जो पहले किसी भी डॉक्टर से थोड़ा बहुत खराब हो जाता है केस, और उसके बाद आप फिर असली स्पेशलिस्ट के पास जाते हो कि डॉक्टर साहब ये हो गया खराब, इसको ठीक कर दो। तो ऐसा ना करें, पहली बार में अगर आप कराना चाहते हैं अव्वल, तो अगर आपको जरूरत है तो सही डॉक्टर के पास जाएं, सही एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी ये डिग्री देख के जाएं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर रजत फॉर हैविंग थैंक फॉर यू, कमिंग। थैंक यू डॉक्टर परमजीत, थैंक यू, थैंक यू. गुड नाइट, थैंक यू।